जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ, जिनके ऊपर माता काली की सवारी आती है वो भूल से भी मत करना ये तीन काम। जो तीन काम मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, अगर आप लोगों के ऊपर माता काली की सवारी आती है और अगर नहीं भी आती है, आपके आने वाले समय में माता काली की अगर आप सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, एक अच्छे भगत बनना चाहते हैं, तो भगत बनोगे तो माता काली की सवारी तो आपके ऊपर आएगी ही आएगी। तो कभी भी आपके जीवन में आने वाले समय में कभी भी माता काली की सवारी आप लोगों के ऊपर आ भी जाए तो भूल से भी ये तीन काम मत कर लेना जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नहीं तो आप लोग खुद ही नुकसान आप लोगों का बहुत बड़ा होएगा और उसके साथ साथ आप लोगों को दंड भी मिलेगा। दंड माता काली ही देती है। जितने भक्त जो माता काली की जिनके ऊपर सवारी आती है, अगर वो ये तीन काम करते हैं तो उनको दंड भी माता काली ही देती है। तो भूल से भी कभी भी जीवन में अपने, चाहे इधर से उधर क्यों ना हो जाओ, पर कभी भी ये तीन काम गलती से मत करना। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसे कि भक्तों मैं आप सभी को ये बताऊंगी इस वीडियो में कि जिन लोगों के ऊपर माता काली की सवारी आती है, अन्य किसी भी देवी देवता की सवारी आती हो, ठीक है, यहाँ पर माता काली की बात कर रहे हैं हम और उनके साथ साथ जितने भी देवी देवता उनकी भी बात कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं और जितने लोग इस चैनल से जुड़े वो माता काली के ही भक्त हों, सभी देवी देवताओं के भक्त होते हैं, ठीक है, सभी का पूजन करते हैं, फिर उनके ऊपर सवारी भी आने लगती है जिस देवी देवता का वो पूजन करने लगते हैं, कंटिन्यू उनकी पूजा पाठ को हमेशा रेगुलर करते रहते, तो उनके ऊपर फिर उसी देवी देवता की सवारी भी आने लगती है। अब जब सवारी आप लोगों के ऊपर आएगी या फिर ऑलरेडी आपके ऊपर सवारी आती है तो ये तीन काम आप लोग गलती से कभी मत करने ना, नहीं तो आपका ही इसमें नुकसान बहुत बड़ा होएगा। पहली बात, अगर आपके ऊपर सवारी किसी भी देवी देवता की आती है, ठीक है, मान लो अगर बिना गुरु के आपके ऊपर सवारी भी आ रही है किसी देवी देवता की, चाहे माता काली हो चाहे कोई भी देवी देवता हो, तो ये बात आप लोगों को किसी को नहीं बतानी चाहिए, मतलब अपनी फैमिली में ही पता होना चाहिए, बाहर के किसी भी बंदे पर ट्रस्ट करके आप लोग इस बात को ना बताएं, क्योंकि ये अधिकतर करके ये बातें होती छुपाने की। अगर आप बता भी दोगे भाई दीवे तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है, तो आपके साथ ये होता है जैसे मान लो किसी को पता भी चल जाता है तो अभी तो आप बिना गुरु के हो, आपका कोई गुरु नहीं है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति आपकी जो सवारी है उसका बंधन भी कर सकता है, मतलब आपके ऊपर जिस देवी देवता की सवारी आ रही है तो वो आपके शरीर का बंधन कर सकता है, वो भी मंत्रों के जरिए, मंत्रों के जरिए ही सारे काम होते हैं। फिर उसके बाद आप लोग हमेशा के लिए अपनी सवारी को भूल जाओगे। भूल जाओगे क्या, आपको कभी सपने में भी इधर उधर नज़र नहीं आएगी कि हाँ भाई हमारे ऊपर कोई सवारी आती थी। तो ये जो सवारी वाली बात है ये कभी भी भूल से किसी भी भगत को, किसी भी तांत्रिक को, किसी भी अपने रिश्तेदार को ना बताएं, क्योंकि ऐसा होता है जब सवारी आप लोगों के ऊपर से उतर जाती है तो फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको वापस लाना, ठीक है, तो ये गलती कभी भी जीवन में मत करना। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, अगर आप लोगों के ऊपर माता काली की सवारी आती भी है, अगर आपका गुरु है तब आपके ऊपर सवारी आती है, या फिर बीड़े पे किसी ने, मतलब बीड़े पे आपने किसी गुरु से माता काली को लिया हो तब जाके मैं मतलब आपके ऊपर सवारी आने लगी हो माता काली की, तो वो जो सवारी आती है उस सवारी को जल्दी से किसी के कहने से बुलाओ भी मत। दूसरी गलती आप लोग ये कर देते हो कि आप किसी के कहने पे भी सवारी को तुरंत बुलाने लग जाते हो, क्योंकि किसी की नज़र, किसी की नियत, किसी की गंदी सोच ऐसी भी होती हैं जो मतलब कि वहीं बैठे बैठे आप लोगों को ऐसा कर देते हैं कि दूसरी ओर आप सवारी की तो बात बहुत दूर की, आपकी पूजा पाठ सब बंद हो जाती है, ना ही आपको किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं। तो ये चीज़ भी आप कभी भी जीवन में ना करें, सिर्फ और सिर्फ अगर बुलाएं भी तो उसके लिए बुलाएं अपनी फैमिली वालों के लिए, ठीक है, सवारी को, जब तक उसको सवारी को ना बुलाएं आमने सामने वाले बंदे, जैसे कोई बंदा बोलता है आपसे कि भाई सवारी को बुला दो हमें बात करनी है, तो जल्दी से ना बुलाएं, ठीक है, उसकी वैसे ही पूछा देख कर आप लोग उसे बता दें सवारी को जल्दी से ना बुलाएं। तो ये गलती भी मत करना, वरना आप लोग हमेशा के लिए अपनी सवारी को खो सकते हो, अपनी पूजा पाठ को खो सकते हो, अपनी शक्ति को खो सकते हो। और तीसरा कार्य यह है, जब आप लोगों के ऊपर सवारी आती है, ठीक है, तो सवारी आप लोगों के ऊपर जब भी आती है या फिर आने वाले समय में आए तो जल्दी से आप लोगों को सवारी को और ज़्यादा पक्का करना चाहते हो
तो उसको पक्का करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मंत्रों का जाप नहीं करेंगे तो जो आपकी सवारी है वो हमेशा झूठे वचन देगी, सच्चे वचन नहीं देगी। तो मंत्रों से ही सारे काम होते हैं। तो अगर आपके ऊपर मान लो सवारी आती भी है और झूठ वचन बोलती है, मतलब झूठ बोल जाती है, जिस काम के लिए बोलती है वो काम नहीं होता है, तो वो उसके जो सत्य वचन अभी नहीं है। सत्य वचन करने हैं आपको खुद अपने आप, वो भी किसी मंत्रों का जाप कर कर, जैसे कि बीज मंत्र का कर सकते हैं या गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र हो उसका कर सकते हैं। और अगर आप जाप नहीं करेंगे तो आपकी जो शक्ति है वो हमेशा वचन मतलब सच्चे नहीं देगी, हमेशा झूठ ही आपसे भी झूठ बोलेगी, और आप अगर किसी के आगे, किसी अपने फैमिली वाले के आगे बुलाओगे उससे भी सबसे झूठ बोलेगी। तो ये तीन काम है जो आप लोगों भूल से भी नहीं करने चाहिए, और अगर आप अपनी शक्ति को सही से रखना चाहते हैं तो ये तीन काम आप हमेशा मत करना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, माता काली आपकी मनोकामना पूरी करे, जय माँ।